हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स तो आज हम क्या कर रहे हैं चैप्टर सिक्स का एक्सरसाइज वर्क करना है तो so, आप इसको अपने नोटबुक पे अच्छे से राइट भी करोगे लिखोगे भी ए पार्ट है आपका चूज करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द एंड कंप्लीट द सेंटेंस यहाँ से राइट वर्ड चूज करके आपको फिल करना है यहाँ पे भरना है प्रे नमाज इज इज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर ऑफ रेड इन मॉस्क है ना तो क्या चूज करोगे मॉस्क थर्ड वन गुरुद्वारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर डेश सिक्स ठीक है फोर्थ वन होली बुक ऑफ पार्सिस इज कॉल्ड जेन द अवस्था ठीक है तो टिक जो राइट है उसको टिक करोगे फेन देन फिल भी करो फिफ्थ वन पीपल लिविंग इन इंडिया आर कॉल्ड इट इंडियंस देन मेज द फॉलोइंग कॉलम ए को आपको कॉलम बी के साथ मैच करना है नंबर वन पार्सीज है फायर टेंपल मुस्लिम्स का हम मैच करेंगे मॉस्क थर्ड क्रिश्चियंस का हो गया चर्च जें का हो गया देरसर एंड जीव्स का हो गया सैनिकॉक इज एंड क्लियर तो इस तरह आप मैच करोगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हू क्वेश्चन नंबर 1 हू वर्शिप मनी गॉड्स एंड गॉडेसेस कौन जो है बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करता है हिंदूस वर्शिप मनी गॉड्स एंड गॉडेसेस लिखोगे ठीक है हिंदूस लिखा देन यहां से वापस लिखोगे वर्शिप मनी गॉड्स एंड गॉडेसेस क्लियर हिंदूस वर्शिप मनी गॉड्स एंड गॉडेसेस सेकंड क्वेश्चन हू ऑफर प्रेयर्स फाइव टाइम्स अ डे तो आप क्या लिखोगे मुस्लिम्स प्रेयर्स फाइव टाइम्स अ डे यहाँ से लिखना पहले मुस्लिम्स फिर प्रेयर्स फाइव टाइम्स अ डे क्वेश्चन नंबर थ्री क्या लिखोगे रीड्स गुरु ग्रंथ साहेब पहले लिखना सिक्स रीड्स ग्रंथ साहेब क्वेश्चन नंबर फोर विच टेम्पल इज ओपन टू ऑल रिलीजन्स क्या लिखोगे लोटस टेम्पल इज ओपन टू ऑल रिलीजन्स समझ जा रही बात। है क्वेश्चन नंबर फाइव होम डू वर्शिप तो लिखोगे गौतम बुद्ध वर्शिप वर्शिप गौतम बुद्ध या लिखोगे बुद्धिस्ट वर्शिप गौतम बुद्ध इसमें क्या हो दिया हुआ है गिवन बिलो आर सम होली बुक्स मैच देम विद द राइट पर्सन इस साइड जो है आपके लिए होली बुक्स लिखे हुए हैं सबके इन यहाँ पे नाम्स लिखे हुए हैं उस नाम को गेस करके आपको क्या करना है उनके होली बुक्स के साथ मैच करना है जैसे मीनू है ना हिंदू सा नाम लगता है तो इसको किसके साथ मैच करेंगे मीनू का हो गया भगवत गीता जैक है ना जैक हो गया होली बाइबल क्रिश्चियन नेम लगता है ना अली कुरान देन गुरपीत भगवदगीता एंड फारूक हो गया जिंद अवस्था देन इस तरह हमने मेच किया इसके बाद है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दीज प्लेसिस एंड राइट देर नेम्स इन द स्पेस गिवेन बिलो टेक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स और टीचर यू नीड इट चलिए पहला वाला क्या है दिस टेम्पल हैज अ प्लेस काली लंगर वो हो गया आपका गोल्डन टेम्पल क्या लिखोगे गोल्डन टेम्पल दिस चर्च हैज गोल्डन बेल इस चर्च में गोल्डन बेल है ये कौन सा चर्च है आ, सी कैथेड्रल चर्च सी कैथेड्रल चर्च लिखोगे आप ये कहाँ पे है ये गोवा में है वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च माना जाता है ये एशिया का सबसे लार्ज वाला ये है चर्च है अच्छा जी थर्ड वन क्या है दिस इज एन कोची केरला ये हमने बुक में पढ़ा परदेसी सैनी गॉक है, है कि नहीं अच्छा जी इसके बाद है द शेडो ऑफ दिस टेम्पल टावर नेवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड ये कौन सा टेम्पल है ब्रिदेश्वर टेम्पल कौन सा टेम्पल है ब्रिदेश्वर टेम्पल है और ये जो टेम्पल है ये कहाँ पे है आई थिंक तमिलनाडु में है ये और ये जो है इसको किस तरह बनाया हुआ है पजल टेक्निक एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर लगा के बनाया हुआ है जैसे जमीन खोद के हम घर बनाते ना वैसे नहीं है ये ग्राउंड पे पत्थर लगाए हैं फिर उसके ऊपर पत्थर इस तरह करके ये जो है ये टेम्पल बनाया गया है काफी पुराना टेम्पल है ये ब्रिदेश्वर टेम्पल ठीक है अच्छा जी लार्जेस्ट मॉस्क इन दिल्ली वो हो गया हमारा जामिया मस्जिद दिल्ली ओके देन इसके बाद वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स वी कैन शो अवर रेस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स बाय पार्टिसिपेटिंग इंडियर फेस्टिवल्स एंड बीइंग फ्रेंडली है दूसरे मजहब की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए उनसे जो है रेस्पेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें उनके फेस्टिवल्स भी पार्टिसिपेट भी करने पड़ेंगे और उनके साथ जो है फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा अब आपको क्या करना है पुट टिक फॉर द कॉरेक्ट स्टेटमेंट इन क्रॉस द रोंग स्टेटमेंट जो रॉन्ग है उस पर आपके आपको क्रॉस करना है एंड जो राइट right लगती है उसपे आपको टिक करना है नंबर वन मीनू इज अ हिंदू शी कैन गो टू जेक्स हाउस ऑन द डे ऑफ क्रिसमस मीनू एक हिंदू है और वो क्रिसमस के दिन जेक के घर uh, जाती है जा सकती है तो इज राइट right है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो हम इसमें क्या करेंगे टिक सेकेंड um, है अली इज सेलिब्रेटिंग ईद अली सेलिब्रेट करता है ईद मनाता है ही शुड नॉट गिव स्वीट्स टू हिंदू वो मिठाइया जो है हिंदूज को नहीं देता है तो ये गलत बात है उनको भी दे देना चाहिए हमें मिल बांट के खाना चाहिए तो ये रॉन्ग करेंगे हम इसको क्या करेंगे क्रॉस थर्ड वन क्रिश्चियन सॉरी चिल्ड्रन चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस शुड नॉट गो टू द सेम स्कूल ये भी रॉन्ग है क्योंकि हर रिलीजियंस के बच्चे अलग-अलग स्कूल तो में जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सेम स्कूल में जा सकते हैं कोई किसी भी मजहब के लोग किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो ये कह रहा है कि नॉट गो टू द सेम स्कूल ये भी रॉन्ग है इसके लिए हम क्या करेंगे इसको भी क्रॉस करेंगे वन मस्ट रीड ओनली स्टोरी बुक्स एंड नॉट द होली बुक्स हमें सिर्फ स्टोरी बुक्स पढ़नी चाहिए होली बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए ये भी रॉन्ग है हमें होली बुक्स पढ़ना चाहिए ठीक है तो ये भी रॉन्ग किया हमने देन ऑल अबाउट फॉर टुडे बाय